तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गाए गुड़े भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को आज है नवरात्र का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ आपका ये 9 दिन नवरात्र का बहुत ही शुभ और अच्छा और स्वस्थ और मस्त जाए। तो आप लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते रहे और देवी माँ से मन्नत करते रहे कि ये जो चल रहा है हमारे देश में वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हम पहले के जैसा नॉर्मल हो जाए, हैप्पी हो जाए। तो दोस्तों आज है नवरात्र का पहला दिन, तो देख सकते हैं आज मैंने रेड कलर पहना है क्योंकि आज है रेड कलर। तो आप सभी को पता है कि 9 दिन 9 कलर पहना जाता है, देवी माँ का 9 कलर होता है। आज हमने रेड पहना है, बाकी के दिन मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन सा कलर है। अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कमेंट में या मैं वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग है नवरात्र का, हमने सुबह सुबह उठ के पूजा कैसे किया, क्या किया, तो यही मेरा ब्लॉग है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे। उसके पहले अगर मेरे चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन है जिससे कि घंटी उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो को अभी मैं दोपहर के 2 बज रहे हैं, आज मैंने उपवास हूँ तो फलार उलार मैंने ले चुकी हूँ, पूजा पाठ मैंने सुबह ही किया था। तो अब मैं वीडियो को रिवाइंड करती हूँ, चलते हैं पीछे साइड, ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो वीडियो में बने रहे और इन्जॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं आ गई हूँ मंदिर के पास। तो जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि आज नवरात्र है और नवरात्र का पहला दिन है, तो यहाँ मैं देख सकते हैं सब तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बाती बना रही हूँ और बाकी जो पीतल का सारा बर्तन है, दिया और कलश वगैरह सब मैंने अच्छे से माँज लिया है पीतांबरी से, देख सकते हैं पानी भी मैंने कलश में भर लिया है। तो इस तरह मैं देख सकते हैं बाती बना रही हूँ क्योंकि ये मैं बाती 9 दिन के लिए बना रही हूँ। अब यही बाती मेरा 9 दिन तक चलेगा क्योंकि जोत चलाऊँगी। तो अगर इस तरह आप बाती बना रहे हैं तो दोस्तों ये रक्षा रूरी का बाती मैं बना रही हूँ। तो अगर एक हाथ का या डेढ़ हाथ का आप इस तरह बाती बना दे रहे हैं तो पूरा 9 दिन तक ये आराम से जलेगा, आपको बार बार बाती बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये 2 लोग के हेल्प से बनता है, पर मैं देख सकते हैं मंदिर का ही सहारा लेके बाती बना रही हूँ इस तरह होल्ड करके। तो बाती बन चुकी है दोस्तों, आप चाहे तो जितना मोटा पतला कर सकते हैं इस तरह, इसको पूरना बोलते हैं पूर के। तो अब मैं बाती डाल लूँगी दिए में। तो बाती हमने डाल लिया है देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी। तो ये बाज़ार का पैकेट वाला देसी घी है, मैं ये इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये पैकेट का पड़ा था कब से, साफ़ भी है, तो मैंने सोचा मैं पहले इसको ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं घर का बना हुआ हम लोग 1 डिब्बा घी रखे हैं देसी घी बना के घर पे ही, तो उसके बाद 9 दिन तक उसी से जलेगा। तो इधर मैं निकाल रही हूँ कुमकुम टीका वीका लगाने के लिए माता रानी को। इसके बाद मैं कलश में डालूंगी आम का पत्ता। अब मैं जा रही हूँ नारियल लेके किचन में धोने क्योंकि नारियल को भिगा के रखो तो फटने का चांस कम रहता है, और जहाँ तक हो सके आप अपने नारियल में कपड़ा भी लगा के रख सकते हैं। तो नारियल धो के मैं ला के देख सकते हैं कलश पे रख दी हूँ। अब मैं कलश पे बांधूंगी रक्षा रोरी। तो चाहे तो आप कलश में भी बांध सकते हैं और नारियल में भी बांध सकते हैं। तो कलश तैयार हो चुका है दोस्तों, तो अब मैं इसे मंदिर पे रखूंगी। तो मैंने कैमरा सीधा कर लिया ताकि मंदिर भी दिखे आप लोग को। तो यहाँ मैं जा रही हूँ पूजा करने, अब स्टार्ट करने, सारी तैयारी मैंने कर लिया है, कलश को मैं ऊपर रख लूँगी। अब मैं जलाऊंगी सबसे पहले जोत। तो मैं आप लोग को तब तक एक छोटा सा भजन गा के सुना देती हूँ पूजा करते समय, आप लोग पूजा देखिए और भजन भी सुनिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
जय जय बोलो जगदम्बे भवानी मैया, जय जय बोलो जगदम्बे भवानी मैया। काऊ देख मैया मग्न हुई हैं, काऊ देख मैया मग्न हुई हैं, काऊ देख मुस्काने भवानी मैया, काऊ देख मुस्काने भवानी मैया। फुलवा देख मैया मग्न हुई हैं, फुलवा देख मैया मग्न हुई हैं, हरवा देख मुस्काने भवानी मैया, हरवा देख मुस्काने भवानी मैया। जय जय बोलो जगदम्बे भवानी मैया, जय जय बोलो जगदम्बे भवानी मैया। काऊ देख मैया मग्न हुई हैं, काऊ देख मैया मग्न हुई हैं, काऊ देख मुस्काने भवानी मैया, काऊ देख मुस्काने भवानी मैया। अब लास्ट में मैं जा रही हूँ आरती करने। तो नवरात्र है दोस्तों, तो 9 दिन आरती तो होना ही चाहिए माता रानी का। अम्बे तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गाये गुड़े भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यहाँ देख सकते हैं मैं आरती वरती करके अब मैं जाऊंगी तुलसी मैया का पूजा करने। इसके बाद चलो आप लोग भी चलिए तुलसी मैया का भी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बालकनी में आ गई हूँ दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं बालकनी में मैंने तुलसी का पेड़ लगाया हुआ है। यहाँ भी मैं फूल वगैरह चढ़ा के धूप और धार दे लूँगी, मतलब जल दे लूँगी। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ। फटाफट मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है। और यहाँ सबसे पहले मैं चाय रख रही हूँ और फ्रूट्स रख रही हूँ, फ्रूट्स काटूँगी मैं। तो ये फ्रूट्स मैं मेरे लिए नहीं तैयार कर रही हूँ, ये मेरी मम्मी के और मेरे हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए काट रही हूँ। मैं मेरे लिए बाद में काटूँगी। तो एक तरफ मैं चाय चढ़ा रही हूँ, दूसरी तरफ इधर फ्रूट भी काटूँगी। तो दोस्तों मेरे घर में नाश्ता खाना सब साथ में ही बनता है क्योंकि सब लोग खाना खा के ही कंपनी जाते हैं। तो ये मैं पपैया काट रही हूँ और अंगूर है। इसके बाद दोस्तों मैं चाय में दूध डाल चुकी हूँ, देख सकते हैं। अब मैं निकालूँगी चावल। तो चावल धो के मैं चावल चढ़ा दूँगी गैस पे। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं मैं गिलास में पानी गरम करके गुनगुना पानी मैं सुबह सुबह पीती हूँ, तो वही मैं पी रही हूँ। और दूसरी साइड देख सकते हैं मैं ये आटा गूँथने जा रही हूँ, ताकि ये आटा गूँथ के रख लूँगी तो फटाफट रोटी भी बना लूँगी और उसी में बाकी की भी तैयारियाँ करती रहूँगी। इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं शाम हो गई है, तो ये मैं शाम का पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं शाम का भी थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आप शाम को पूजा नहीं करते हो। तो यहाँ देख सकते हैं अगरबत्ती वगैरह आरती वरती ले लूँगी मैं, सेम प्रोसेस जैसे मैंने सुबह पूजा किया था। और बाहर भी देख सकते हैं मैं आरती ले रही हूँ गणपति बप्पा का। दोस्तों तो आप लोग ने मेरा पूरा वीडियो देख ही लिया कि मैंने आज सुबह से नवरात्र के दिन मैंने क्या क्या किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मुंबई में बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है और हो सकता है 15 तारीख को लॉकडाउन भी लग जाएगा, तो हम बिल्कुल बाहर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं घर से ही आपको अच्छी अच्छी ब्लॉग दे सकूँ।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद ही आते होंगे। तो आप दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं अगले अपने न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।